प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि मैं सिद्ध निताई प्रभु जी के भी लेक्चर सुनता हूँ, आपके भी सुनता हूँ, तो जो ये वरिष्ठ वैष्णव है, हमारे सीनियर डिवोटीज हैं और गुरु हैं हमारे, ये हम कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आज के लेक्चर में आपने बताया कि चार नियमों का पालन करो, मंगला आरती करो और भगवान को प्रसाद खा के प्रसाद लो, वैष्णव क्या करो, मतलब नॉर्मल सी चीजें बता के कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। कभी कभी इतने कठोर हो जाते हैं, कहते हैं कि इतने से कुछ नहीं होने वाला है, दिन भर भक्ति करो, हर टाइम याद करो भगवान को और भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का श्रवण करो, अपना मैक्सिमम टाइम याद हो, काम वाम पे तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब प्रभु जी, कभी कभी ऐसे लगता है कि जो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जो कर रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अभी तो नरक के द्वार पे जा रहे हैं। तो क्या ये सीनियर डिवोटीज हमें बच्चों की तरह फुसला रहे हैं क्या, चलते रहे तो बहुत अच्छी चीज है? देखो, ऐसा संभव है और ऐसा करते भी हैं सीनियर डिवोटीज। वो देखते हैं किस भक्त का अभी क्या मनोदशा चल रही है, उसके अनुसार कभी उसको बोलते हैं कि हाँ इतना ठीक है, और जब उनको लगता है कि आगे बढ़ सकता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं। जैसे पिता है, वो हमेशा अपने बच्चे को डांटता रहेगा, जो योग्य बच्चा है, जो कैपेबल बच्चा है, पिता हमेशा उसको डांटता रहेगा, कभी उसको पुचकारता नहीं है। वो उसको ये बोलेगा तू ये कर, तू वो कर, तुझे ये क्यों नहीं कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा। तो कई बार उस बेटे को लग सकता है अरे भाई कर कर के कमर टूट गई है, पीछे ही पड़े हुए हैं मेरे। लेकिन अब पिता की उससे आशाएं इतनी है ना, पिता को लगता है कि हाँ ये और बहुत कुछ कर सकता है, तो इसलिए जो पिता होता है वो पुश करता है अपने बेटे को, जो अगर कैपेबल है, अगर कैपेबिलिटी दिख रही है। तो ऐसे ही अगर किसी भक्त में कैपेबिलिटी दिखती है तो फिर सीनियर जो डिवोटीज हैं उसको पुश करते हैं, ये और करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप कर पाओगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी को हमारे पे भरोसा आ गया, हमारे पे किसी को फेथ आ गया कि भाई ये कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो हमारे पे किसको भरोसा है, हमारा अपने आप पे खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन किसी सामने वाले ने हम पे भरोसा जता दिया, फिर तो हमें भी पूरी स्पीड से भागना चाहिए। जहाँ तक बात ये है कि 24 घंटे भगवान का स्मरण ऑफकोर्स करना चाहिए, लेकिन एक झटके में नहीं होता, धीरे धीरे, सालों का टाइम लग जाता है करने में, क्योंकि उतनी श्रद्धा भी आएगी, फिर घर की स्थिति भी होती है, फिर बार बार मन विचलित भी हो जाता है, तो एकदम से तुरंत सारे काम नहीं होते। तो पहले मतलब एक भक्त है धीरे 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 कदम उठाता है वो, लेकिन गोल हमारा यही है, सततम कीर्ते अंतो माम, सदैव मेरा भजन करो। ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है कि हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब वो इंस्ट्रक्शन को पूरा करने में हमें 6 महीने लग रहे हैं या हमें 10 साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, राइट डायरेक्शन में कदम बढ़ाते रहो अपना, हतोत्साहित मत हो जाओ। ये सोचो कि मेरा वो गोल है, वो गोल तक पहुंचना है, वो गोल तक मुझे आज ही पहुंचना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम आराम से बेबी स्टेप्स लो, छोटे 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 कदम बढ़ाते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, देखते रहो हर 15 दिन में कि आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे, पहले से कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले से कुछ वैराग्य आया कि नहीं आया, भोग की इच्छा कम हुई कि नहीं हुई, भगवान का नाम ठीक से ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें अपने आप को इवैल्यूएट, अपना आंकलन करते रहो, और फिर उस स्तर तक जाने की कोशिश करो जिसके लिए जो वरिष्ठ वैष्णव है हमें पुश कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोई प्रोत्साहित करे ये तो बहुत ही कमाल की बात होती है। ऐसे भक्त अगर मिल जाए ना जो कि प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके लिए गर्दन कटवा लेनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि लोग प्रोत्साहन देते नहीं हैं, लोग किसी को फैसिलिटेट नहीं करते भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे सपोज़ कोई आपको बोले कि आपको लेक्चर्स देने चाहिए, आप अच्छे से रीडिंग करो, प्रिपेयर करो, लेक्चर्स दो, अरे उसके पैर चूमने चाहिए
कि वो मतलब हमारे में कोई गुण नहीं है लेकिन उसको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं ये कर सकता है, और फिर वो हमें पूरी फैसिलिटी भी दे रहा है, हमें पूरा सहयोग भी दे रहा है, हमें पूरा सिखा भी रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ऐसे भक्त को तो मतलब कुछ भी हो जाए पकड़ के रखो उसको, कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसको, गर्दन कटवा लो उसको पकड़ के रखो, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने की जेन्युइन कोशिश कर रहा है ना आपको। और वैसे तो भक्त आमतौर पर डांटते नहीं है, उत्साह ही देते हैं, लेकिन अगर डांट भी दिया तो समझ लो अमृत है, डांट भी दिया तो समझ लो अमृत है, पी जाओगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रभु जी एक और प्रश्न था, ले सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ जी। प्रभु जी कुछ दिनों पहले एक क्लास हुई थी प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी ने ये अपने अर्जुन अग्रज प्रभु जी ने एक क्वेश्चन किया था, और सिद्धनिताई प्रभु जी ने भी उसमें बोला था, और आपसे क्वेश्चन था प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि हम अपने पुराने जन्मों के व्यवहार को भूल कैसे जाते हैं। और उसका मतलब मुझे जो लगा कि मुझे आंसर इस चीज का चाहिए था कि हमें अपने अगर पुराने जन्म याद रहें और पुरानी बेकार चीजें याद रहें कि जन्मों से हम ऐसे ही भटक रहे हैं वो सब याद रहें, तो हो सकता है इस जन्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं इससे हम बच जाएं, उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि वो पुरानी बेकार, जैसे जेल, किसी को जेल की सजा मिली तो वो तो गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से जेल में गया है, वो उससे तो बच के रहेगा। प्रभु जी ये करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हम बार बार यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ऐसा पुराना जन्म था भी कि नहीं था भी, तो ये डाउट से मैं रहते, कुछ याददाश्त रहे कि हाँ मैं पिछले जन्म में मैं ऐसा बना था, वहां पे ऐसे पिटाई हुई थी, तो ऐसा तो दोबारा नहीं करना है, केवल भगवान का ही भजन करना है, उससे भगवान की भजन में बढ़ने के लिए एक उत्साह मिलेगा प्रभु जी, या डर रहेगा, दोनों चीजें। वहां पे आपने जवाब ये दिया था कि उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है पुराने जन्म को याद रखने की, उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देते दे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु जी। देखो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति आती है, हमें जो भी याद है वो भगवान की दया से ही याद है, ज्ञानम जो भी हमें नॉलेज है वो भी भगवान की दया से है, अपोहनम च जो भी हम भूल गए वो भी भगवान की दया से भूले हम। तो इसका मतलब ये है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जितनी स्मृति भगवान ने हमें दे रखी है वो पर्याप्त है, और भगवान ने वो चीज़ें भुला दी जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ने में विचलित हो सकते थे। तो एक भक्त ये सोचता है कि भगवान ने हमें भुला दिया पुराने दुखों को, कि उसको याद करके हमारा मन उन दुखों से विचलित ना हो जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं, कि एक बात तो यह है कि दुखों को याद करके हम उससे सीख ले लें कि भाई दोबारा नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि उसको याद करके विचलित हो जाएं, रोना चिल्लाना शुरू कर दें। 99% केसेस में अगर आप देखो तो लोग जो दुख बीत भी गया उसको याद करके दुखी होते रहते हैं, यार बड़ा दुख झेला हमने, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत परेशान रहते हैं। तो भगवान ने भुला दिया, मतलब ये भगवान की स्पेशल मर्सी है हमारे पे कि हम भक्ति ठीक से कर पाए। अब दूसरी बात है कि जब प्रेरणा लेनी है तो प्रेरणा लेने के लिए हमें हमारे पे क्या जो कष्ट आए पिछले जन्मों में उसको आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने चारों ओर देखेंगे जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं या वो हमारे जैसे हैं। तो जैसे वो आज कष्ट पा रहे हैं, जैसे एक कुत्ता जो है वो उसको मतलब सारी उसकी चमड़ी ख़राब हो गई, खून निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, लोग उसको देख के वो पत्थर मार रहे हैं और ज़्यादा कष्ट पा रहा है वो, तो हम उसको देख के ये भी तो सोच सकते हैं कि हमने भी ऐसा
पहले कभी भोगा होगा, या अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी इस परिस्थिति में गिर सकते हैं। हम तो प्रेरणा लेनी है तो प्रेरणा हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने 24 गुरु बना लिए, उन्होंने पक्षियों को देखा, आकाश को देखा, पृथ्वी को देखा, जल को देखा, उन्होंने सबसे कोई ना कोई चीज़ लेते चले गए और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ गए वो। तो हमें अपने ऊपर जो हमने पिछले जन्मों में या नरकों में भी हम गए, हमने वहाँ पे कौन से कष्ट भोगे, उसकी हमें स्पेशल उसका स्मरण लाने की, याद लाने की कोई इतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप ये सोचो कि लोग आज भी भोग रहे हैं। जैसे जैसे नचिकेता ने बोला था ना अपने पिता को, जब नचिकेता ने अपने पिता को पूछा गौतम ऋषि को कि मुझे किसको दान दे रहे हो, मुझे किसको दान दे रहे हो, तो गौतम ऋषि ने बोला जा तुझे मौत को दान दिया, मृत्यु को दान दिया। फिर बोला नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था भाई, मैं नहीं देना चाहता तेरे को। तो नचिकेत ने बोला कि देखो मैं कोई पहला थोड़े ना हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत जा चुके, अभी भी जा रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं कि मैं आखिरी हूँ, अब इसके बाद कोई जाएगा नहीं, बाद में भी जाते रहेंगे, तो मैं चला गया कौन सी बड़ी बात है। आप मिथ्या वचन क्यों, अपना वचन मिथ्या क्यों करते हो। तो हम दूसरे लोगों को देख के एटलीस्ट चलो नरक का तो हम शास्त्रों को श्रद्धा ले आए तो हम मान लेंगे कि हाँ ये होता है वहाँ पर, नहीं तो इस संसार के अंदर जो कष्ट है एटलीस्ट वो तो हम अपनी आँखों से देख ही रहे हैं। अब ये लड़ाइयाँ चल रही हैं इज़राइल और हमास लेबनान के बीच में, अब वो लड़ाई चल रही है, अब वो सारा एरिया मैंने देख रखा है उधर, जो जहाँ पे ये रॉकेट्स वगैरह गिरा रहे हैं। तो अब वहाँ पे बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, अब वो ऊपर से बम गिरा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बूढ़े औरतें जवान मर रहे हैं सारे, वो बोल रहे हैं हमारी क्या गलती है, अब वो फंसे हुए हैं वहाँ पे, वो कष्ट है पड़े हुए हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि इस ये जो इतना जो नुकसान हो गया, ऊपर से मिसाइल पे मिसाइल गिराए जा रहे हैं, लोग भी मर गए, घर बार सब ख़त्म हो गए, इससे उभरने में पता नहीं कितने ही सालों लग जाएंगे, पता नहीं उभर पाएंगे नहीं उभर पाएंगे। तो ये तो नारकीय स्थिति तो यहाँ पर दिख रही है ना। आप अफ्रीका अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखो लोग कैसे भूखे पड़े हुए हैं लोग। मैं तो कई बार डॉक्यूमेंट्रीज़ कई मुझे कुछ ढूंढ रहा होता हूँ, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री दिख जाती है तो मैं देखता हूँ लोग कितना कष्ट पा रहे हैं, लोग कैसे मतलब लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं कई साल पहले करीब 21 साल पहले मैं पानीपत गया था, तो वहाँ पे मैं कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में गया, तो वहाँ पे मैंने वो लोगों ने बताया है जो कारपेट में जो कारीगर होते हैं वो कोई 100 साल तक नहीं जाता, सब पहले ही मर जाते हैं। वो कारपेट बनाते हैं उसकी जो वो रेशे होते हैं कॉटन वगैरह के, वो इनहेल करते रहते हैं, सांस ले रहे हैं, वो अंदर जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, उनको दुनिया भर के रोग हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनको भी पता है हम मर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे तो भाई रोटी कहाँ से खाएंगे, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, बस करते रहते हैं। तो नारकीय स्थिति है ना, हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ। जैसे भगवान बुद्ध है, उन्होंने एक बार एक बूढ़े को देख लिया, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बनना चाहता बूढ़ा। तो हम दूसरों को देखकर हम ये प्रेरणा ले सकते हैं ना। अगर प्रेरणा लेनी है फर्स्ट क्लास आदमी तो दूसरों को देख के सीख जाता है ना, ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर ही जो कष्ट आए हैं, जो अगर हमने नहीं सीखना होगा तो हम अपने ऊपर कष्ट आएंगे तो भी नहीं हम उसको सीख पाएंगे, बल्कि हमारे पे इतने कष्ट आए आज तक, कितने कष्ट आए बचपन में, माँ बाप की मार खाई, टीचर्स की मार खाई, नंबर भी कम आए और
दुनिया भर की चीज़ों, या फिर शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है, फिर बच्चों से झगड़ा हो जाता है, फिर बूढ़े हो गए, बच्चे कहना नहीं मान रहे, बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, देखते हैं हम अपने घरों में ही देखा हमने। लेकिन उससे क्या हमें वैराग्य आया? वो तो हमारे घर में ही हो रहा है, नहीं आता वैराग्य। तो हम अगर देख, भगवान हमें वो स्मृति दे ही देते तो भी क्या हो जाता, हम जो देख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं वर्तमान में, उसी से वैराग्य नहीं आ रहा हमारे मन में। तो वैराग्य लाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मौके हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, इस संसार में हम आसक्त, कोई भी समझदार आदमी आसक्त हो ही नहीं सकता। अलग से हम नरक में तले जा रहे थे, वो पिक्चर हमें अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें वैराग्य लाना है, वैसे ले आओ वैराग्य। ओके।